हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एके अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। आज के वीडियो में हम यूजेस ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे। डायमेंशंस के यूजेस में क्या होता है, इन पे डिपेंड, इसके तीन यूजेस हैं और इनके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल्स हैं। सब जितने भी यूज हैं इन पे डिपेंड अलग अलग न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो देखें आप, पहला इसका यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मतलब डायमेंशन के यूज से हम कन्वर्जन करते हैं यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। क्या मतलब होता है इसका कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे किसी ने मान लो आपसे ये कह दिया कि जी जो होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं जिसे, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इसमें ये जो लिया गया है लेंथ की यूनिट जो है वो ली गई है मीटर, और टाइम की ली गई है सेकेंड। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड। अब आप जी की वैल्यू बताइए, ऐसी यूनिट में बताइए कि इसकी जगह मीटर की जगह तो किलोमीटर आ जाए और सेकेंड की जगह ओवर आ जाए। ठीक है, इस टाइप से करके बताइए। मतलब जो यूनिट आ जाए किलोमीटर पर ओवर स्क्वायर में आ जाए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मींस ये हो गया कि वन सिस्टम से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सब इस पे डिपेंड होंगे। ठीक हो गया, ये पहला इसका यूज हो गया डायमेंशन का, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। क्या कहता है इसके अंदर, अभी से सीखना है आपने। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो ये वैल्यू होती है जो आगे लिखी है, ये वैल्यू इसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू n, इसे n बोलते हैं। एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसे कहते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट होता है इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। मींस ये n, ये u, तो n into u is equal to constant, n into u is equal to constant से फार्मूला बन गया n1 u1 is equal to n2 u2, क्योंकि n1 u1 is equal to constant हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और n2 u2 is equal to constant हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। उन दोनों को इक्वल रखेंगे, जब दोनों में ही कांस्टेंट है RHS में, तो n1 u1 is equal to n2 u2, ये फार्मूला बन गया। तो ये जो फार्मूला है n1 u1 is equal to n2 u2, इस फार्मूले से ही हम इस कन्वर्जन को करा करेंगे। ठीक, इसमें n1 क्या है, n1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। और n2 क्या रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड सिस्टम कौन सा हुआ, किलोमीटर पर आवर वाला, जिसमें कन्वर्ट करना है, उसमें क्या आएगा यहाँ पर, ये वो हो गया n2। u1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और u2 क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक हो गया, ये स्टेप से करके आ जाएंगे। तो इस पे डिपेंड क्वेश्चन है, देखिए आप क्या करना है आपको। कन्वर्ट क्वेश्चन है, ये इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल। कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाइम, वन न्यूटन को डाइम में कन्वर्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन न्यूटन को डाइम में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आप बोलोगे ये न्यूटन क्या है, डाइम क्या है। ये न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है एमके सिस्टम में, और डाइन जो है ये भी फोर्स की यूनिट होती है, बट ये सीजीएस सिस्टम में होती है। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे, आप पहले लिखेंगे इसमें न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमके सिस्टम,
डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, ठीक हो गया। न्यूटन तो एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स है, और डाइन जो है, डाइन वो यूनिट ऑफ फोर्स है सीजीएस सिस्टम में, ठीक। अब जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है फोर्स का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, एम एम एल टी माइनस टू फोर्स, एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम की एम हो जाती है, ए की एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू हो गया। कल आपको ये बताए थे पिछले वीडियो में, तो ये जो है आप इस टाइप से करके इसे निकाल लेंगे। पिछला वीडियो चेक कर लेना आप, उसके अंदर डायमेंशनल फार्मूले 53 बताए थे, तो उन सबको आपने प्रैक्टिस करनी है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने ये फार्मूला लगाना है, एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। अब एन वन, एन वन की वैल्यू देखें आप क्या दी है इसमें, वन न्यूटन। वन न्यूटन का मतलब एन वन जो है, एन वन वो वन हो गया, वन न्यूटन, तो जो वन दिया है वो एन वन है, वन, ठीक। एन टू हमें फाइंड आउट करना है, ये कह रहा है कि इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें कितनी होगी, फोर फाइव यहाँ क्या आएगा, तो वही एन टू निकालना है। अच्छा फिर अब यू वन देखें आप, यू वन, यू वन जो है, यू वन जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, डायमेंशनल फार्मूला इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एमकेएस में, एमकेएस में फोर्स का जो था ये, तो आप जो है इसमें यहां वन 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 लगा के लिख देंगे, यहां पे वन एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस वन माइनस टू माइनस टू, ठीक है, ये लिख देंगे आप। ये जो आपने लिखा था डायमेंशनल फार्मूला फोर्स, इसमें यहां वन 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 लगा दो, बस ये लिख दो। ऐसी यू टू जब आप लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप एम यहां पे टू 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 लगा के लिख दो, एम टू एल टू टी टू की पावर माइनस टू, यहां पे एक बार वन 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 लगा दिया, एक बार टू 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 लगा दिया सेकेंड वाले में, स्टेप से करके आपने लिख देना है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब ये वैल्यू जो n1 n2 u1 u2, अब ये u1 u2 में m1 l1 t1 ये क्या है, और M2, L2, T2 क्या है, एक बार ध्यान रखना। ये आप जो M1, L1, T1 है ये MKS में है, ठीक है, ये MKS वाला है, और ये जो दूसरा वाला है ये CGS वाला है, क्योंकि इसने काय में कन्वर्ट करने के लिए कहा था, इसमें कहा था इसने 1 न्यूटन को करना था डाइन में, यानी MKS को CGS में कन्वर्ट करना था, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, CGS में कन्वर्ट करना था, तो ये CGS वाला है, ठीक है। अब इसमें आपको पहले ये बताना पड़ेगा M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है, तो आप इसको इसके बाद लिख दें, M1, M1, L1, T1, M2, L2 एंड T2, ये क्या क्या है,
हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। एम वन जो है किसको डिनोट करता है, एम एम जो एम के सिस्टम वाले हैं ये शुरू में, तो क्या हो जाएगा ये के जी, ठीक है। और एल वन, एल वन क्या हो जाएगा मीटर, और ये टी वन क्या हो जाएगा सेकेंड। एम के एस में के जी मीटर सेकेंड होते हैं, ये सी जी एस वाले हैं तो यहाँ हो जाता है ग्राम, और एल टू में क्या हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर, और यहाँ सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। ये एम के एस वाले हैं, इतने एम के एस वाले हैं, और ये जो है सी जी एस वाले हैं, ठीक हो गया। अब आप इनकी वैल्यूज एन वन एन वन एन टू यू वन यू टू की वैल्यू उठा करके इस फार्मूला में रख दीजिए, एन वन यू वन इज टू एन टू यू टू में। तो एन वन, एन वन की वैल्यू एन वन यू वन इज टू एन टू यू टू, एन वन की जगह कितना वन, यू वन, यू वन की जगह, यू वन की जगह आ जाएगा एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस टू इसका टू एन टू यू टू, यू टू की जगह एम टू एल टू टी टू की पावर माइनस टू, ठीक हो गया। इससे एन टू की वैल्यू निकाल लो, एन टू इसका टू हो गया वन तो बेकार है, तो एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस टू, एम टू एल टू टी टू की पावर माइनस टू, ये M1 को एक साथ कर लो आप, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 की होल पावर माइनस टू। M1 एक साथ, L1 एक साथ, T1 एक साथ, ये कर लिए, ठीक। अब आपको पता है M1, M1 क्या था मीटर, M2 क्या था सेंटीमीटर, M1, M1 क्या था kg, और M2 क्या था आपका ग्राम, ऐसी L1 क्या था मीटर, और ये क्या था सेंटीमीटर, ये था सेकेंड, और T2 भी सेकेंड पावर माइनस टू, सेकेंड से सेकेंड कट गया। kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये तो वैसे कट गया, वन की पावर माइनस टू बेकार ही होता है, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, टेन की पावर कितनी आ गई थ्री और टू फाइव, टेन की पावर फाइव आ गई एन टू की वैल्यू, बस यही हमें फाइंड आउट करनी थी एन टू की वैल्यू। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका, कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। तो वन न्यूटन इसका टू कितना हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन, ये आ गया रिलेशन। ये देखिए एन वन है, ये एन टू है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है इसे, वैल्यू ऑफ जी को देखें आप। ये जो दी हुई है वैल्यू, ये एन वन है और एन टू हमने फाइंड आउट करनी है।
ये आप देख रहे होंगे मीटर सेकेंड, ये एमकेएस सिस्टम है, और ये क्या है किलोमीटर आवर, मतलब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और सेकेंड को हमने आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जी जो है, जी ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशनल फार्मूला इसका आपको आता ही है, एल टी माइनस टू। तो ठीक है, इसमें आप स्टेप्स लिखेंगे एन वन, पहले ये लिख लो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, इसका टू कितना होता है एल टी माइनस टू, सीधे इसमें जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो एल टी माइनस टू, इससे U1 और U2 लिखने में आसानी रहेगी। अच्छा अब लिखे हम N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 N1 की वैल्यू कितनी गिवन है 9.8, N2 हमें फाइंड आउट करना है, U1 U1 इससे लिखा जाएगा यहाँ वन वन लगा के, L1 T1 की पावर माइनस टू, और U2 किससे लिखा जाएगा, इसी से लिखा जाएगा टू टू लगा के, L2 T2 की पावर माइनस टू, क्लियर। इसमें ये बताना पड़ेगा L1 क्या है, T1 क्या है, L2 क्या है और T2 क्या है, यहाँ ये बताना पड़ेगा आपको। L1 L1 देखें आप, ये देखो इससे पता चलेगा इन दोनों से, मीटर और ये लिखा है सेकेंड, तो L1 तो मीटर को डिनोट करता है यहां से लिया, और ये सेकेंड को डिनोट करता है T1। ऐसी जो जिसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर, ये हो गया किलोमीटर, और आवर ये हो गया आवर T2, ठीक है। इनकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो आप, N1 की जगह 9.8, U1 की जगह L1 T1 की पावर माइनस टू इक्वल टू, N2 हमें फाइंड आउट करना है L2 T2 की पावर माइनस टू, इससे N2 की वैल्यू निकाल लो 9.8 L1 T1 की पावर माइनस टू अपॉन L2 T2 की पावर माइनस टू, 9.8 L1 अपॉन L2 कर दें आप, T1 अपॉन T2 की होल पावर माइनस टू, 9.8 L1 यहां देख ले, L1 L1 क्या है, L1 मीटर, और L2 L2 है किलोमीटर। अब जैसे आपने जो है इनकी जगह मीटर और किलोमीटर रखा, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट लगेगा डायमेंशन वाला नहीं लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा ये स्मॉल ब्रैकेट, और ऐसे यहाँ पर T1 सेकेंड, और इसकी जगह T2 की जगह ओवर, स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा फॉरन माइनस टू पावर, ये डायमेंशन वाला ब्रैकेट है बट ये स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको 9.8 इधर से लेते हैं, 9.8 मीटर है मीटर, इसको ऐसे रहने दो आप मीटर को, और किलोमीटर की जगह लिख दो 1000 मीटर, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकते हैं, सेकंड को ऐसे रहने दो आप, और जो ओवर है उसकी जगह लिख दो 60 × 60 सेकंड, ओवर की जगह पावर माइनस, सेकंड से सेकंड कटा, मीटर से मीटर कटा, 9.8, ये जो 60 × 60 है ये कितनी लिखी है माइनस टू, यानी ये ऊपर आ जाएगा पलट के, और दो बार लिखी जाएंगी ये स्क्वायर होने की वजह से, दो बार ऊपर आके, यानी 60 × 60 × 60 × 60 स्टेप से करके, और ये 1000 ये वाला है मीटर का, 30 कैंसिल हो गए, और इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर बता देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है
इसका तो हो गया 1.27 इंटू 10^5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो गया। इसके आगे यूनिट मत लिख देना, ये एन टू निकाला है आपने, इसके आगे यूनिट नहीं लिखी जाएगी अलग से, ये चीज लिखी जाएगी ये अलग से। अब जाके कंप्लीट हुआ, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट एनर्जी ऑफ वन जूल इनटू अर्थ, तो सबसे पहले आपने देखा एनर्जी, जैसे आपने एनर्जी देखा तो डायमेंशनल फार्मूला लिख दो एनर्जी का, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी कितना होता है एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है एनर्जी का, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लिख देंगे एन वन यू वन स्क्वायर टू एन टू यू टू, इसमें ये बताते हैं उसे एग्जामिनर को एन वन क्या है और यू वन क्या है, एन टू क्या है और यू टू क्या है। एन वन होती है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, और ये होता है यू वन डायमेंशनल फार्मूला, इसे ऐसे लिखते हैं आप, डायमेंशनल फार्मूला इन फर्स्ट सिस्टम। एंड टू न्यूमेरिकल वैल्यू, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी करना आप ऐसे, इन सेकेंड सिस्टम, अभी जो हमने करा था और उससे पिछला वाला करा था, दोनों में करना है। और यू टू क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है, ये बता दिया एन वन यू वन एन टू यू टू क्या क्या है। अब आप देखो ये कहते ना, अब आपने एनर्जी का बता दिया, एन वन बताओ आप कितना है, देखो वन जूल वन हो गया, एन टू हमें फाइंड आउट करना है, U1 इससे लिखा जाएगा, इससे 1 1 1 लगा के M1 L1 P1, U2 अब यहां 2 2 2 लगा दो, M2 L2 T2, क्लियर हो गया, वेरी सिंपल है। अब ये जो M1 L1 T1 और M2 L2 T2 आपने यूज किए, ये पूछेगा भाई ये क्या क्या है, तो आप इनको एक्सप्लेन कर दोगे, M1 L1 T1 क्या क्या है और M2 L2 and T2, क्लियर, ये क्या क्या चीज है। M1 फर्स्ट वाली यूनिट से पता चलेगा, ये जो जूल है, जूल आपको बताना पड़ेगा, इसको एक लाइन और बतानी पड़ेगी यहाँ पे इसके बाद, जूल वो कायम होती है एमकेएस सिस्टम में, जूल होती है एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, और जो अर्ग होती है, अर्ग वो होती है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम। तो ये जो शुरू वाले तीन है ये तो एमकेएस को बिलोंग करेंगे और बाद वाले हैं ये सीजीएस को बिलोंग करेंगे। तो एमकेएस में आपको पता है ये केजी हो जाता है और ये क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। ध्यान करना, हमने जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, जूल को अर्ग में, जूल जो है एमकेएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है, एमकेएस सिस्टम में, इसलिए हमने ये एमकेएस वाले लिए लिख दिया, जूल एमकेएस सिस्टम में और अर्ग सीजीएस सिस्टम में होता है, उसको मैं बता दिया हल्का, ठीक है। तो तो फिर यहां पर आपने केजी ये हो गया, M2 क्या हो जाएगा ग्राम, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, ये दोनों में सेकेंड ही रहता है, सीजीएस में भी एमकेएस में,
अब इसकी वैल्यू डाल दो इसके अंदर फार्मूले में, वन इंटू यू वन की जगह क्या आ जाएगा, एम वन एल वन स्क्वायर टी वन की पावर माइनस टू, यहां आ गया एन टू एम टू एल टू स्क्वायर टी टू की पावर माइनस टू, एन टू स्क्वायर टू एम वन एल वन स्क्वायर टी वन की पावर माइनस टू, एम टू एल टू स्क्वायर टी टू की पावर माइनस टू, ठीक है। वेल इससे ये स्टेप आ गया, एम को एक साथ कर लिया, यानी एम वन अपॉन एम टू डायमेंशनल वाला लगेगा निशान, और एल वन अपॉन एल टू का स्क्वायर एक साथ कर लिया, और टी एक साथ कर लिया, टी वन अपॉन टी टू की पावर माइनस टू। अब देखो एम वन क्या है, यहां देख लो आप एम वन, एम वन है केजी और ये क्या है ग्राम, स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा फॉरन यहां से, ये क्या है मीटर और ये क्या होता है सेंटीमीटर, ये सेकेंड ये भी सेकेंड पावर माइनस टू, सेकेंड से सेकेंड कटा, वन की पावर माइनस टू भी बेकार ही होती है। केजी को लिख दो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, यहां लिख दो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये तो बेकार ही हो गया, वन की पावर ए माइनस टू, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, यहां पर यहां थी टू पावर स्क्वायर, यहां पे भी टू पावर है, तो यहां पे हो गया फोर पावर टेन की, फोर और थ्री सेवन, टेन की पावर सेवन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, वन जूल जो है वन जूल इसका टू टेन टू द पावर सेवन आर सो है, अलग से लिखेंगे इसके आगे आ रहे मत लिख देना, ठीक है इसको कर लीजिए आप स्क्रीन शॉट। एक ही प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने का, अलग अलग प्रोसीजर नहीं है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आपने खुद करके लाना है, ठीक है खुद करना है, इसे ट्राई करना है अपने आप। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का ये जो वेलोसिटी होती है डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना, और ये एन वन की वैल्यू हो गई। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, यहां पर तो है मीटर, अब किलोमीटर में बोल रहा है वो, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज आवर, ये आवर में लेना है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, आंसर भी नोट कर लें इसका 1195 किलोमीटर पर आवर, ये एन वन की वैल्यू हो गई, एन टू आपने फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन, तो आप अपने हिसाब से करें, जो एल वन होगा एल वन वो होगा क्या मीटर, और जो एल टू होगा इसमें वो क्या होगा किलोमीटर, ठीक है, और जो टी वन होगा वो सेकेंड होगा बट टी टू ओवर होगा, ठीक है स्टेप से कन्वर्ट कर लेना, इसे करके देखना आप। एक और क्वेश्चन जो है आप लोग देखें अपने आप करना है आपने, ये
यंग्स मॉडलर्स ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सप्रेस इट इन सीजीएस यूनिट। इसका भी आंसर नोट करें आप 19 इंटू 10 के पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस में होना है तो ये जो है न्यूटन, इसकी जगह आ जाएगा डाइन और मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ यह है स्टील, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को बताया था तो उसमें चेक करना वो U1 और U2 लिख देना उससे 1 1 1 लगा के 2 2 2 लगा के, ठीक है। ये U1 हो जाए, ये हो जाएगा N1 और N2 आपने फाइंड आउट करना है। ये MKS में है, ध्यान रखना MKS में, ये CGS में है। तो MKS और CGS में समझते ही आप किस टाइप से कन्वर्ट होगा, इसे करके आप खुद देखना है आपने। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो फिर हम इसको जो है बता देंगे। एक और क्वेश्चन लिखें आप, वो भी आपने खुद करना है। वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज 5.67 इंटू 10 के पावर -8 जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। आंसर नोट करें 5.67 इंटू 10 की पावर -5 आर्ग पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। केवल जूल जो है उसका अर्ग हो जाएगा और मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, बाकी सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, चाहे MKS हो चाहे CGS हो, और केल्विन का केल्विन ही रहेगा। यह आंसर है इसका क्वेश्चन का, आपने आप ट्राई करना है। आपने स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपको कल हमने वीडियो में बताया था, वो देख लेना, उसको निकालना अपने आप। और फिर ये N1 हो जाएगा, N2 आपने फाइंड आउट करना है। और स्टीफन कांस्टेंट का जो आप डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे उसी से U1 और U2 लिख लेना, 1 1 1 करके 2 2 2 करके U1 U2 लिख करके, फिर उसको एक MKS में है ये वाला और दूसरा CGS में है, अपने आप कन्वर्ट कर लेना उसे। इस टाइप से करके आ जाएगा। एक और लिखें आप क्वेश्चन, इसको भी आपने खुद करना है। कन्वर्ट 1 ATM प्रेशर, 1 ATM प्रेशर का मतलब होता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नोट करें इसका 10^6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है 1 ATM प्रेशर, N1 की वैल्यू यहां पे, अब जैसे 1 ATM प्रेशर है जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है हर समय हमारे सिर पे, वो 1 ATM होता है, उसका मतलब होता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 ATM प्रेशर का मतलब, ठीक है। तो आप इसमें 10^5 लें, 10^5 ठीक। और जो प्रेशर है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ले लोगे आप प्रेशर का, तो इससे N1 जब लोगे N1 तो 10^5 हो जाएगा। N2 आपने फाइंड आउट करना है। U1 की वैल्यू जो लोगे आप प्रेशर, प्रेशर इसको तो होता है फोर्स अपॉन एरिया,
ठीक है, फोर्स, फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू, डायमेंशन, और एरिया की होती है एल स्क्वायर, यानी ये हो गया एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ये हो गया। तो इससे लिख जाएगा आपके वन 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 लगा के ऐसे एम वन एल वन की पावर माइनस वन टी वन की पावर माइनस टू, और ऐसे यू टू लिख दोगे आप एम टू एल टू टी टू, यहाँ माइनस वन यहाँ माइनस टू, ठीक है। अब ये एम वन एम वन ये है एम के एस वाला और ये है सी जी एस वाला, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा के जी और ये क्या हो जाएगा ग्राम, ये क्या हो जाएगा मीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये दोनों सेकंड सेकंड, बस इस टाइप से कन्वर्ट कर लेना जैसे आपने इसके अंदर ऊपर वाले क्वेश्चन किए, अपने आप आंसर आ जाएगा 10^6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी बुक निकालिए आप, उसका एनसीईआरटी बुक का 2.3 क्वेश्चन नंबर निकाल दीजिए आप, पेज 35 पे है, पेज 35 पे 2.3 नंबर का क्वेश्चन देखें एनसीईआरटी बुक में। देखना 2.3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है 2.3 में, एक कैलोरी जो यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, ये है 4. कितने जूल, 2 जूल, ठीक है 4.2 जूल मीन्स 1 जूल इसका तो दे रखा है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज वी एक्सप्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी, एक दूसरी यूनिट है उसमें अल्फा केजी के बराबर दे रखा है मास, और यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर, बीटा मीटर के बराबर यूनिट दे रखी है लेंथ की, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकेंड ये दे रखी है। शो दैट ए कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा की पावर माइनस वन बीटा की पावर माइनस टू गामा की पावर टू इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट, ठीक है। हीट या एनर्जी बोल रहा है वो, हीट या एनर्जी। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट ले लो आप और एनर्जी, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का सेम होता है, और आपको पता ही है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, ये आपको बता रखा है, ठीक है, सिखा रखा है। ये निकालना कैसे निकालते हैं, 53 डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे एक वीडियो में, उसको पहले खूब अच्छी तरह तैयार करना है आपने, तब ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये नहीं कि डायरेक्ट करने लगे आप, ये ठीक हो गया, ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिर क्या कहता है वो, इसमें जो उनने एनर्जी दी है 4.2 जूल दी है, जूल जो है एनर्जी दी है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी हो गया एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू लगाएंगे आप, जो इसमें एन वन है वो 4.2 दिया है, एन टू हमें फाइंड आउट करना है, यू वन आप इससे लिख ले, इससे एम वन एल वन स्क्वायर टी वन की पावर माइनस टू, मतलब यहाँ वन 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 लगा के लिख देना है, और यू टू में क्या लगा के लिख देना है, टू 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 लगा के, एम टू एल टू की पावर टू टी टू की पावर माइनस टू,
क्लियर, ये हो गया। अब देखें आप M1, L1, T1, M2, L2 एंड T2, इनकी वैल्यू लिखनी है क्या क्या आएंगे। ठीक है, ये जो पहला है M1, ये जो था ये था MKS सिस्टम में, ठीक है, MKS सिस्टम को बिलोंग कर रहा था। देख लो आप पढ़ के, जूल है, जूल जूल जो है MKS यूनिट में होती है। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन MKS सिस्टम, उसने कहा है जूल है, ठीक है, उसने बताया 4.2 जूल। तो इसका मतलब MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं ये M1 L1 T1। तो आपको पता ही है MKS सिस्टम में ये kg होता है, ये मीटर होता है, और ये क्या होता है, T1 सेकेंड होता है। ये तो आपने एकदम लिख दिए, जूल देखा आपने 4.2 जूल उससे। अब M2 L2 T2 उसने बताया है ये, देखो आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो दोबारा। वो कहता है कि लेंथ, लेंथ जो है वो दे कितनी, इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा kg। ये अल्फा kg है, ये अल्फा kg, और दूसरा वाला क्या दे रखा है, देखो यूनिट ऑफ लेंथ बीटा m, ये है बीटा मीटर, समझो बीटा मीटर है ये, बीटा मीटर, और ये क्या है गामा s, ये दे रखे हैं इसमें, ठीक है जी। s का मतलब सेकंड से हुआ, यहाँ पर s का मतलब सेकंड से ही है, पूरा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वैल्यू डालो अब आप इसकी, N1 की जगह 4.2, U1, M1, L1 स्क्वायर, T1 की पावर -2, इसका 2, N2, M2, L2 स्क्वायर, T2 की पावर -2, N2 इसका 2, 4.2, M1, L1 स्क्वायर, T1 की पावर -2, डिवाइडेड बाय M2, L2 का स्क्वायर, T2 की पावर -2, 4.2 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, T1 अपॉन T2 का पावर -2, 4.2 M1 की जगह क्या लिख देंगे kg, और M2 की जगह अल्फा kg स्मॉल ब्रैकेट फॉरन, L1 की जगह मीटर बीटा मीटर पावर 2 सेकेंड, और ये क्या है T2 गामा सेकेंड पावर -2, सेकेंड से सेकेंड कटा, मीटर से मीटर, केजी से केजी, 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, ठीक है, बीटा की पावर -2, और यहाँ गामा की पावर है गामा का स्क्वायर, या आंसर फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉपी में करना है आपने इसे सॉल्व। ठीक है, देखिए यूज नंबर 2, इसका यूज नंबर 2 में चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, कोई भी इक्वेशन है या कोई फार्मूला है उसकी जो है एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस, ये लगता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस की जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन गिवन है, LHS RHS दोनों है, वो करेक्ट कब होती है, करेक्टनेस चेक करनी है, यानी वो करेक्ट कब होती है, इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम आती है,
कि एक कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे ये दे दी टी इसका टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसकी करेक्ट, इसको चेक करो कि ये करेक्ट है या नहीं, गलत है या सही है ये फॉर्मूला टी इसका टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसीलिए कह रहा है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला, फार्मूले की एक्यूरेसी चेक करना इस फार्मूले की। जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल होना चाहिए क्या कि LHS की जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS, ये LHS है या RHS है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। अगर दोनों डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है LHS एंड RHS के तो ये करेक्ट होगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो देखो इक्वेशन इज करेक्ट इफ डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स इन LHS, ये LHS में इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स इन RHS, RHS की डायमेंशन, RHS LHS की दोनों अगर इक्वल होंगी तो करेक्ट होगा ये। ठीक है, अब आप देखें एक क्वेश्चन है, इस पे डिपेंड, ये लिखने के लिए नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या है इस पे डिपेंड जो आएंगे, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन t is equal to 2 pi under root l upon g where l is the length of the length, l is the length, simple pendulum का experiment है ये, उसमें length of simple pendulum है ये l, t is the time period, t उसका time period है of the simple pendulum, g is the acceleration due to gravity, g acceleration due to gravity है। ठीक हो गया, अब इसकी करेक्टनेस करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो ना टी है एल है जी है या ये है टू पाई, इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग लिख लेंगे हम। ठीक है, तो देखो आंसर स्टार्ट कर रहा है, एक क्वेश्चन आपने ढंग से सीखना है, फिर इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन होंगे इसके। तो ये जो टी है डायमेंशंस ऑफ t is equal to, बताओ क्या होती है टी की, टी टी की डायमेंशन टी होती है टू पाई, पहले हम लिख लें उसकी एल की डायमेंशन ऑफ एल क्या हो जाएगी एल, और डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी एल टी माइनस टू जी की, और एक बात ध्यान रखना टू पाई कॉन्स्टेंट है तो कैसा है वो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस है। ठीक हो गया, अब हम LHS देख लेंगे, डायमेंशन ऑन LHS, LHS में देख लो कितनी बैठ रही है, केवल अकेला T है और T की ये रही T, तो केवल T लिख दो। ठीक हो गया, अब RHS में देख लो एज ए होल डायमेंशंस ऑन RHS इक्वल टू RHS में देखो ये तो बेकार है कांस्टेंट था, तो ये हो गया अंडर रूट L की हो गई L और G की हो गई एल टी माइनस टू, L से L कैंसिल हो गया तो t की पावर 2 ऊपर आके 2 हो गया ये और अंडर रूट भी लग गया यानी t हो गया फाइनल। तो देखो LHS की और RHS की दोनों की सेम डायमेंशंस आ गई, जब दोनों की सेम डायमेंशंस आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है सिंस डायमेंशंस on LHS is equal to dimensions on RHS, so formula is dimensionally is correct, लिख दो is correct, correct dimensionally, right, formula correct है dimensionally, इसकी रिसॉर्ट ले लीजिए आप इसका, इसी टाइप से सब क्वेश्चन होंगे। LHS RHS की डायमेंशन निकालो, इक्वल आ रही है तो करेक्ट है अदरवाइज नॉट, अगर है नहीं तो लिख देंगे डायमेंशंस ऑन LHS इज नॉट इक्वल टू, इक्वल टू करके काट देंगे इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑन RHS,
सो फार्मूला इज नॉट करेक्ट डायमेंशनली, ऐसा करके लिख दिया जाएगा उसमें, जिसमें इक्वल नहीं आएंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट याद रखना आप लोग, इसी के अंदर है जो अभी अभी हम कर रहे थे, ओनली लाइक क्वांटिटीज, ओनली लाइक क्वांटिटीज, लाइक क्वांटिटीज का मतलब हैविंग सेम डाइमेंशंस, जिनकी डायमेंशन सेम होती है, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब दो क्वांटिटीज को अगर एड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है तो इसका मतलब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। अगर दो क्वांटिटी को एड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उनकी डायमेंशन सेम होंगी। सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। घोड़े के साथ घोड़ा जोड़ोगे, बकरी के साथ बकरी, गधे के साथ गधा, इनकी घोड़े के संग वो जोड़ दोगे गधा, ठीक है, सेम डायमेंशंस वाली जुड़ेंगी और वही आपस में घटेंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखें आप, इस बात को याद रखना आप, इसको जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन होंगे, इससे और जो इससे ऊपर बताया था अभी उनको करके मिला करके चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस where symbols have their usual meanings है। ये कैसे हुआ क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमने ये समझ लीजिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है हमने कि करेक्ट है या नहीं, कभी गलत हो, ठीक। इसमें आपको पहले ये बताना पड़ेगा, ये आप तो जानते ही हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक, इसमें u v a s क्या चीज है ये सबको पता है, लेकिन बताना पड़ेगा एग्जामिनर को अपने मन से, उसने दिया नहीं है, जबकि u आपको पता है कि वेयर u इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन एंड s है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, ये सब वैल्यूज हैं, ध्यान रखनी है आपने। अच्छा, अब इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख दो सबके, क्या क्या होते हैं डायमेंशंस ऑफ u, बताओ आप क्या होती है u की वेलोसिटी की, lt माइनस वन। डायमेंशंस ऑफ v, इसकी भी lt माइनस वन है, तो वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, एक्सेलरेशन की क्या होती है, ए की एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, ऐसी एस डिस्टेंस की क्या होती है, एल
ओनली एल, ठीक, ये डायमेंशन हो गई, या डायमेंशनल फार्मूला भी कह सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, इस टाइप से बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो एक बात, हमने आपको एक नोट बताया था, ये बताया था ओनली लाइक क्वांटिटीज, लाइक क्वांटिटीज मीन्स हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहाँ आप देखें वी स्क्वायर और यू स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, जब इन दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया गया है, हम जानते हैं कि लाइक क्वांटिटीज, अगर ये लाइक क्वांटिटीज हैं तो ही सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर ये नोट लिखा जाएगा, ये नोट यहाँ लिखा जाएगा, नोट, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा पहले। इसके बाद लिखने के बाद हम फिर इसे करेंगे, डायमेंशंस ऑन एलएचएस, एलएचएस की, वी वी स्क्वायर की, वी स्क्वायर की बताओ आप डायमेंशन, इससे देख लो एल टी माइनस वन की टू माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर एल टी माइनस वन की टू, इसका वी स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसे सब्ट्रैक्ट, जो इसकी है इसको लिख लो एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और ये भी एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये नहीं कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करके जीरो आ गया, जीरो नहीं, इनमें से एक लिखोगे आप, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशंस की हैं, और जब एक ही हैं डायमेंशन तो आप एक बार लिख दो एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये नहीं कि कोई कहते कि इसको सब्ट्रैक्ट करा जीरो आ गया यहाँ पे, ना, अगर प्लस 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 भी है, थ्री बार ये प्लस एक बार और ये, तो भी उनका प्लस हो के एक बार आएगा बस, केवल ये आ गया, ऐसी सब्ट्रैक्ट होके एक बार ये ही आ जाएगा डायमेंशन, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं होता कि ये थ्री है वैल्यू, फाइव है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होके जीरो आ गया, ना, डायमेंशन है ये इंडिकेट करता है कि सेम डायमेंशन ही सब्ट्रैक्ट होती है, इसका मतलब वही डायमेंशन हो गई एलएचएस की, एलएचएस की पूरे की होल ये डायमेंशन हो गई। अब डायमेंशन ले लो, डायमेंशन ऑन आरएचएस, आरएचएस में देखो 2as, 2 तो कांस्टेंट है, 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हो गया सो डायमेंशन लेस, ठीक है। अब as बचा, a की क्या होती है lt माइनस 2, और s की क्या होती है, s की l, मिलके हो गया l स्क्वायर t माइनस 2, देखो दोनों की सेम आ गई, दोनों की सेम। यहां पर बहुत ध्यान रखना है आपने, कभी कोई बार बार बताने में भी माइनस है तो जीरो क्यों नहीं आया, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, कितनी बार भी ऐड हो, कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट हो, यही आएगा, एक बार लिख दोगे आप उसे, ठीक है। ये देखो आप एल एच एस आर एच एस की इक्वल आ गई, दोनों की इक्वल डायमेंशंस आ गई, ठीक है। डायमेंशंस ऑन एल एच एस इक्वल टू डायमेंशंस ऑन आर एच एस, सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, कंप्लीट हो गया है, इस टाइप से करके आप इसे करेंगे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन लिखे आप, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन न्यू स्क्वायर टू वन अपॉन ट्वेल्व अंडर रूट टी अपॉन एम, वेयर
न्यू इज फ्रीक्वेंसी एल इज द लेंथ टी इज द टेंशन एम मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ठीक है जी। इसका मतलब फोर्स से ही होता है टेंशन का मतलब ठीक है। इसकी एक्यूरेसी आपने चेक करनी है, चेक द एक्यूरेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए। अब हम क्वेश्चन के ऊपर हाथों हाथ आपको इम्पोर्टेंट बता दिया करेंगे। जैसे जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करेगा एग्जाम में बिल्कुल आने लायक, उसके ऊपर ए लिख दिया करेंगे। ए ए का मतलब एटम बम ठीक है। 11th के एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल उसको ए लिखा करेंगे। और जो ए से नीचे वाली क्वालिटी हुआ करेगी उसे सुपर कहते हैं क्वेश्चन को, उस पर डबल एस बनाया करेंगे ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट होता है इससे, वेरी इंपॉर्टेंट डबल सुपर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी ऊपर की क्वालिटी एटम बम होती है ठीक है। तो ये एटम बम क्वेश्चन है पेपर के लिए 11th के एग्जाम के लिए। खूब अच्छी तरह से आपने इसे प्रिपेयर करना है, हर क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया करेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है ठीक है। देखें आप इसमें कैसे करेंगे। न्यू न्यू है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप इनके जितने भी न्यू है एल टी एम इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, आप डायमेंशंस लिख लो मतलब। तो डायमेंशनल फार्मूला कह दो या डायमेंशंस ऑफ न्यू, डायमेंशन ऑफ न्यू इज इक्वल टू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है टी माइनस वन, सब निकालना सिखा रखी है आपको। एल डायमेंशंस ऑफ एल, एल क्या था देखो आप, एल है लेंथ, लेंथ की होती है एल। उसके बाद टी की ले लो डायमेंशंस ऑफ टी, टी क्या थी टेंशन, टेंशन का मतलब फोर्स, और फोर्स की क्या होती है फोर्स एम ए के बराबर होता है एम एल टी माइनस टू। और उसके बाद आ गया एम डायमेंशंस ऑफ एम, ये एम खतरनाक है इसे ध्यान रखना, मास ऑफ यूनिट लेंथ है ये, मास ऑफ यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन लेंथ, एम अपॉन एल, एम एल माइनस वन ऐसे करके निकलती है इसकी, एम एल माइनस वन मास पर यूनिट लेंथ है ये ठीक है। ये लिख दिया आपने, अब आप एल एच एस की निकाल लो फिर आर एच एस की, डायमेंशंस ऑन एल एच एस ठीक है। न्यू की देखो टी माइनस वन, क्लियर हो गया। अब डायमेंशंस ऑन आर एच एस, आर एच एस की ले लो, टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो गया, तो देखो वन अपॉन एल अंडर रूट टी की क्या थी एम एल टी माइनस टू अपॉन एम, एम की क्या है एम एल माइनस वन, यहां एम से एम कैंसिल हो गया, एल माइनस वन ऊपर जाके एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, ये हो गया वन अपॉन एल एल स्क्वायर टी माइनस टू अंडर रूट, समझते ये हो गया वन अपॉन एल एल टी माइनस वन। जब आप अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने में पावर जो है हाफ हो जाती है, तो यहां वन बचेगी यहां माइनस वन, एल से एल भी कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा टी माइनस वन आर एच एस। देखो जो एल एच एस की आई वही आर एच एस की आ गई, तो इसका मतलब क्या डिसीजन निकला, डायमेंशंस ऑन एल एच एस इसका टू डायमेंशंस ऑन आर एच एस। सो फॉर्मूला इज करेक्ट डायमेंशनली, डायमेंशनली करेक्ट हो गया ये फार्मूला, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
ठीक है।